वाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद ही रामायणम। आपने सुनी है राम कथा कि एक राजकुमार जहां माता कैकेयी ने, माँ कैकेयी ने, सुन रहे हैं ना, जहां महा कैकेयी द्वारा प्रभु श्री राम जी को वनवास मांगा गया और वनवास हेतु चले। बन का गई रघुराई इन्हीं कोई रोको रे माई, बन का गई रघुराई आगे आगे राम लखन पीछे लक्ष्मण भाई, आगे आगे राम वैधे ही पीछे लक्ष्मण भाई, इन्हीं कोई रोको रे माई, बन का गई रघुराई। देखो ना कितना आश्चर्य है, पूरे रामायण का दर्शन करे तो इसके पहले कैकेयी माँ कभी बुरी नहीं दिखाई दी, और इसके इस प्रसंग के केवल इसी प्रसंग के बाद भी माता कैकेयी में कोई बुराई नहीं दिखाई गई। केवल इसी प्रसंग के लिए कामा क्या कारण था जो कारणवश मैया कैकेयी यह बुराई को बुराई भी नहीं कह सकते, वास्तविक देखा जाए तो इस बुरे व्यवहार का कारण क्या है? इस बुरे व्यवहार का कारण केवल एक ही है, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। वही माँ भ्रांति भी बनती है, भ्रांति इसलिए बनती है ताकि भगवान के अवतार कार्य को पूर्णता दे सके, ये जो भी कुछ चल रहा है इस लीला को पूर्ण कर सके, इसलिए माई भ्रांति भी बनती है। बोल जगदम्बा मात की, प्रेम से कहिए और जोर से बोलिए जगदम्बा मात की। आइए, जब माँ कैकेयी के द्वारा प्रभु श्री राम वनवास आए, वनवास में केवट जी से मिलन हुआ, बिल्लो से मिलन हुआ, आगे चलते हुए पंचवटी में ठहरे, और तभी पंचवटी में रुककर शूर्पनखा के कारण रावण ने माँ सीता का हरण किया, और इस समय में सुग्रीव से मिले। अब समय था सुग्रीव की सहायता का, पर चातुर्मास के दिन समीप आए। चातुर्मास, सोचिए आप, थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाए तो आप खुद घर से बाहर नहीं निकलते, उस समय में तो कोई सुविधा ही नहीं थी, कैसे इतने बड़े लंका पे आक्रमण कर सकते थे। तो चातुर्मास के दिन में विश्राम किया, और विश्राम जब किया तो इस श्रावण के समय में मैया की बहुत बहुत ज्यादा याद प्रभु श्री राम को आने लगी। प्रभु श्री राम माँ सीता के विरह में व्याकुल हुए, और तभी देवर्षि नारद महाराज लक्ष्मण जी तथा प्रभु श्री राम जी को समझाते हैं कि आप नवरात्रि की उपासना करिए। जब नवरात्रि की उपासना होगी, इसी नवरात्रि की उपासना के बाद माँ भगवती जगदम्बा की विशेष कृपा होकर मैं खुद यहाँ रुक कर श्रीमद देवी माँ भगवती जगदम्बा के सुंदर स्वरूप का वर्णन करूँगा। यही चाहते थे प्रभु श्री राम, जहाँ देवर्षि रुक गए और उनके माध्यम से एक अद्भुत चर्चा सत्र चला। इस चर्चा सत्र के परिणाम रूप में ही नवमी के दिन माँ भगवती का प्रागट्य हुआ और कहा, दशमी के दिन आप लंका पे चढ़ाई करें तो आप निश्चित ही विजयी होंगे। उपवास परो रामः कृतवान व्रत मुत्तमम होम च विधिवत तत्र बलिदान पूजनम। बलिदान, इस बलिदान का अर्थ देखो हम अलग करते हैं। बलिदान का अर्थ है, मूल अर्थ है नैवेद्यम, नैवेद्य। पूजा करते, उपवास करते, विधि होम करते हुए नैवेद्य चढ़ाते। देखो नैवेद्य, अब जो सत्व प्रधान है अपने अपने गुण के अनुसार वो नैवेद्य चढ़ाएगा, जो सत्व प्रधान है उसका नैवेद्य कुछ और होगा, जो रजो प्रधान है उसका नैवेद्य कुछ अलग होगा, और जो तमो प्रदान है उसमें नैवेद्य का होगा, आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो तम प्रधान है वही सोचेगा। सियावर प्रभु रामचंद्र भगवान की। अंत में प्रभु श्री राम दशमी के दिन जब
रावण पे युद्ध करते हैं, लंका पे चढ़ाई करते हैं। और रावण आप सब जानते हो नवमी के ठीक बाद दशमी के ही दिन रावण का वध हम हर साल करते आए हैं। ये बाहर आकृति से भरा हुआ रावण नहीं, तो हमारे भीतर बैठा हुआ अहंकार रूपी रावण जो शांति रूपी माता सीता का हरण कर लेता है, जिसके जीवन में अहंकार और द्वेष ये दुर्गुण है, उसे अलग से शत्रु बनाने की जरूरत नहीं, ये दो दुर्गुण उसका जीवन समाप्त करने के लिए काफी है। पर चाहते हैं कि ये दो दुर्गुण हमारे जीवन को समाप्त ना करे, तो रावण रूपी अहंकार को हर प्रति वर्ष जलाओ। रावण रूपी अहंकार यानी अहंकार ही भेद है, भेद का कारण ही अहंकार है, इसको समाप्त करें। और भेद को कैसे समाप्त करें ये तो हमने आरंभ में ही देख लिया। और इसी समय देखिए, जब जब सियावर प्रभु रामचंद्र भगवान की, जब जब आपने सप्तशती पाठ किया है या फिर जब जब आपने सप्तशती पाठ को सुना है, तब एक शब्द एक एक श्लोक को तो जरूर बार बार दोहराया होगा। कौन सा? देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशोजहि। एक बात को समझना जरूरी है, क्या केवल बाहर के शत्रु का नाश हो जाए ये पर्याप्त है? क्या केवल बाहरी संपत्ति मिल जाए ये इस देवी भागवत कथा और मां भगवती के उपासना का फल है? नहीं, इसी के साथ वास्तविक देखा जाए तो अहंकार बलम दर्पम, यानी भगवत गीता में भगवान कहते हैं जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, यानी जय प्राप्त करो अर्जुन, तो किस पे जय प्राप्त करो? कौरवों पे नहीं, अहंकार पे जय अपना प्राप्त करो। इसीलिए तो कहा गया है कि जो अहंकार पे अपना विजय प्राप्त कर लेता है वो कहीं भी चले जाए उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, उन्हें कोई अपमानित नहीं कर सकता। इसलिए भगवान शिव को अच्युत कहा जाता है। क्यों अच्युत है वो? क्योंकि उन्हें किसी का स्पर्श नहीं होता, अच्युत किसी का भी स्पर्श नहीं होता, न अपमान का, न द्वेष का, न राग का, न मोह का और ना ही मत्सर का। तो केवल बाहर के शत्रु पे विजय ना मिले, भीतरी ये जो शत्रु बैठे हैं उस पे भी विजय मिले। सही बात है, केवल बाहरी संपत्ति ना मिले तो भीतरी संपत्ति भी बढ़े। भीतर संपत्ति कौन सी है? यश है, श्री, ज्ञान, वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य ये भी तो भीतर की संपत्तियां ही है। कुछ लोग इस संपत्ति को लेके जन्म लेते हैं, किन्हीं किन्हीं लोगों को उपासना के द्वारा इन संपत्ति को प्राप्त करना पड़ता है। तो माँ भगवती से यही निवेदन करें कि ऐसी ही संपदा हमें प्राप्त हो। बोल जगदम्बा मात की। आइए आगे की कथा बड़ी सुंदर और बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जिस कथा के द्वारा इसी अहंकार का एक विशेष वर्णन किया है, नर और नारायण। आप कभी बद्रिकाश्रम गए होंगे तो वहां पे दो पर्वत है, ये दोनों की तीर्थस्थली, इन तपोस्थली को नाम दिया गया, एक नर पर्वत है एक नारायण पर्वत है। इनमें से जो ये नारायण भगवान है, ये नारायण भगवान तप करने लगे और कुर्सी वाला इंद्र फिर से भयभीत हुआ। ये इंद्र बड़ा डरपोक है, मैं आपको सही में बताऊं, कोई थोड़ा सा ध्यान करता है ना तो इसकी कुर्सी हिलने लगती है। वैसे भी जो कुर्सी पे बैठते हैं उनको संभालना ही पड़ता है अपनी कुर्सी को। इसीलिए तो बड़ा सुंदर सा कहा जाता है हमारे संतों के लिए, लोगों लोग जानते हैं इसलिए कुर्सी छोड़ने के लिए डरते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कुर्सी है इसलिए उनका सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है इसलिए उनका सम्मान है। और जब पद चला जाए ना तो चपरासी भी नहीं पूछता, चाय भी 4 घंटे के बाद मिलती है। कोई समस्या है?
चाय भी चार घंटे के घर जब तक पद पे था प्रतिष्ठा पे था घर वाले भी तैयार रहते थे, हाँ जी हाँ हो जाएगा बिल्कुल बताओ सो बिल्कुल करेंगे। और घर वाले भी फिर कहते हैं आपको कहीं जाना तो है नहीं, बैठे रहो ना, दो घंटे के बाद मिले तो भी क्या दिक्कत। लोग कुर्सी छोड़ने के लिए इसीलिए डरते हैं और कोई कारण नहीं है। और सही मायने में देखा जाए तो संतों का मान कुर्सी में कभी नहीं बढ़ाया, कुर्सी की वजह से एक स्थान की वजह से संतों की कभी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी, ना कि संतों का सम्मान बढ़ा। हालांकि जिस जिस स्थान पर संत बैठे हैं संतों के कारण उस स्थान की महानता गाई गई है, उस स्थान का सम्मान हुआ है ना। नारायण जी इनकी तप को देखकर इंद्र घबराया तो सोचा इसके पास एक ही हथियार है और दूसरा कोई नहीं, भेज दो अप्सराओं को। अप्सरा आए, ना ऐसा कुछ नहीं था कि नारायण जी आंखें बंद करके कुछ विशेष ध्यान बैठे हैं, बस साक्षी भाव से बैठे हैं। ये साक्षी वेदांतियों का सबसे प्रिय शब्द है, साक्षी भाव से बैठे रहो। और साक्षी भाव से देख रहे थे, साक्षी भाव से देखना भी तो एक साधना ही है। हमने आरंभ में देखा ना कि अपने चित्तवृत्तियों को मोड़ना है, आंखें बंद करके नहीं साधना केवल, तो जो भी हो रहा है उसको साधना की दृष्टि से ही देखना है। तो अप्सराएं आई, नृत्य करने लगी, सुंदर वातावरण तैयार किया, पुष्पों की मंद मंद सुगंध, श्रावण तो नहीं था फिर भी छमछमाती बारिश जिसमें ये भीगती नृत्य, सब किया जो करना था जयराम जी की संसार की, सब किया। नारायण जी केवल साक्षी भाव से देख रहे थे और तभी ये सोचने लगी कि अब हमें ये महात्मा जी शाप ना दे दे, हो सकता है ये शाप दे दे। इसको मद्देनजर रखते हुए ये डरती घबराती इधर उधर दौड़ती, नारायण भगवान ने कहा क्यों डर रही हो, आगे आओ आओ बैठो। बिठाया, फिर बिठाने के बाद रे स्वागत है आपका महाराज जी, हमें तो लगा था आप हमें शाप देंगे। अरे मैं क्यों शाप दूंगा, आप हमारी अतिथि हो, कहो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। महाराज जी कुछ नहीं, हमें इंद्र ने भेजा था आपकी परीक्षा लेने के लिए। अच्छा ऐसा है, अच्छा अच्छा एक काम करो अब वापस जाओगी ना तो मेरी ओर से इंद्र के लिए एक तोहफा लेके जाना। बस ऐसा कह के अपनी जगह पे ऐसा हाथ फेरा और ऐसा किया तो वह उर्वशी, इन अप्सराओं को भी शर्मिंदगी हो ऐसे कई ज्यादा रूपवान उर्वशी वहां उत्पन्न हुई। और विचार कुछ करती ये रंभा मेनका, उसके पहले हजारों उर्वशियां वहां खड़ी हो गई। इनमें से एक लेके जा इंद्र के। अब इन्होंने निवेदन किया देखो आपने जो निर्माण की है उनको भेज दो स्वर्ग आप, अब हमारी एक इच्छा है क्या, हमें आपकी सेवा करने दो। और केवल सेवा नहीं करने दो तो हम आपको पति रूप में और खुद को पत्नी रूप में भजना चाहते हैं। नारायण जी ने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पर इस जन्म में नहीं, नेक्स्ट लाइफ टाइम, अगले वाले जन्म में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा। और आप आपकी संख्या कितनी है, बोले 16,000। हाँ हाँ बिल्कुल चिंता मत करना, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब आप इसी स्त्री रूप में आना, तब आपका ये है। देखो ज्ञानी जो होता है सद्भावी जो होता है वो अपनी जीवन को बड़ी ही साक्षी भाव से देखता है। इसका वर्णन करते हुए आगे च्यवन ऋषि का एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण बता, जहाँ च्यवन ऋषि ध्यान के लिए बैठे तभी स्नान करने हेतु जल में आए च्यवन ऋषि को समाधि यानी ध्यानस्थ स्थिति में देखकर एक सर्प उन्हें खींचकर पाताल लोक लेके गया। और इधर उधर देखा यहाँ क्या हुआ है, बोले सूर्योदय, मैं पाताल में हूँ चाहे पृथ्वी पे हूँ, सूर्योदय हुआ है तो बैठ गए संध्या करने के लिए। देखो जो जिसका धर्म है ना वो वहां जाके वही करेगा, चाहे श्रीलंका ले जाओ, चाहे अमेरिका ले जाओ, चाहे स्विट्जरलैंड ले जाओ, हमारा भाव तो यही है और हमारा धर्म। तो वहां भी बैठ गए संध्या करने के लिए। और जब वहां भी संध्या करने बैठे
सबने पकड़ के प्रहलाद जी के आगे ले आए। प्रहलाद जी जो पाताल का राज्य संभाल रहे हैं, प्रहलाद जी का नाम तो आपने सुना है, जिनके लिए भगवान स्तंभ से प्रकटे। प्रहलाद जी देखने लगे, देखो ये कोई जासूस से तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, कोई खबर पहुंचाने आया है। तो फिर पता चला, अरे ये तो भोले बाबा है, ये जासूस नहीं हो सकते। देखो मैं भारत से आया हूँ, इंडिया से, मुझे पता नहीं कुछ भी यहाँ क्या है, पर आपके जो भी रीति नियम कानून हो वो मुझे सब मान्य है, कोई बात नहीं। मैं अपना भजन कर रहा था, संध्या कर रहा था, प्रहलाद जी ने कहा नहीं बाबा जी, इनको मुक्त कर दो, इनकी बेड़िया छोड़ दो, आपको कोई कोई तंग नहीं करेगा। बस बाबा जी मुझे एक बात बताओ, आप भारत से आ रहे हो ना, आप पृथ्वी से आ रहे हो, तो पृथ्वी में भारत वर्ष में कहाँ कहाँ तीर्थ है बताइए, कहाँ कहाँ कौन से तीर्थ है बताइए। और तभी तभी चवन ऋषि जी ने कहा भारत पे तीर्थ नहीं है, भारत पे तीर्थ नहीं है, संपूर्ण भारत भूमि ही एक तीर्थ है। पता नहीं कहा परदेश में जन्म लेते और वासनाओं के दृश्य देख देख कर जीवन व्यतीत होता, और यहाँ भारत देश में यहाँ के समुन्द्र के किनारे भी भगवान की सात्विकता से, और पर्वतरांगा पर्वत के शिखर भी माँ भगवती वैष्णव देवी है, कन्याकुमारी है, माँ मीनाक्षी है, मदुराई है, ऐसे पर्वत शिखर भी भगवती से और समुन्दर के किनारे भी भगवत सात्विकता से भरे हुए हैं। इसलिए भारत देश में कोई तीर्थ नहीं, भारत भूमि ही एक है। रीत जहाँ की प्रीत सदा, सबको गाना है, है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, रीत यहाँ की प्रीत सदा। सुंदर बात सुनी गुरुदेव, कल कह रहे थे गाओ, बस गाओ, ये मत देखो मेरा आवाज, मेरा गला खराब है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, किसी को अच्छी लगेगी बुरी लगेगी पता नहीं। अरे आपका पहली बार रोना भी माँ बाप को अमृत जैसा सुनाई दिया था, आपका पहली बार रोना भी माता पिता को मधुर लगा था। अगर ऐसा है ना तो आप बस गाओ। मैं तो कल से मैंने ठान लिया, मैं बेसुरी हूँ ये मुझे खुद को पता है, पर आज से उसमें सुर जुड़ जाएंगे, आज मैं खुद गोविंद उसमें बैठ जाएंगे, क्योंकि जब 100% पूरी शक्ति के साथ गाएंगे ना तो ये गाना, ये रोना सुरा सुरीला हो भी सुरीला हो, ये गाना भगवान जैसे माता पिता ने पहला रोना भी माधुर्य से लिया, वैसा ही ये गाना, ये उनके लिए कीर्तन, ये उनके लिए होने वाला अर्तन भी भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। इसलिए गाइए गाइए, जिस धरती पे मैं